तो दोस्तों अभी ब्रेक के बाद जिसे डिस्कस किया था ब्रेक से पहले, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का पार्ट कंप्लीट करते हैं। जब मैं कहता हूँ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, तो हम सबसे पहले कहते हैं वो कॉरपोरेट डेटर्स, वहां पे मैं लिखूंगा दोज कॉरपोरेट डेटर्स हैविंग असेट्स और क्रेडिटर्स, असेट्स और क्रेडिटर्स इन मोर देन वन कंट्री, इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा देश में अगर उस कंपनी का, जिस कॉर्पोरेट डेटर की हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का एक से ज्यादा देश में असेट्स है, या एक से ज्यादा देशों में क्या है, क्रेडिटर्स है, तो वहां पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस आ जाते हैं। बट ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी ईजी टू डू बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब, कंपनीज हैव मेनी वेंडर्स अक्रॉस द ग्लोब, कस्टमर्स होते हैं, और हम कहते हैं कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंसी का महत्व बढ़ाने के पीछे। क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंसी क्यों लाना पड़ा, वाई दिस क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंसी के मेजर्स और लेजिस्लेशन लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर देश का जो नेशनल इंश्योरेंसी लॉ है वो किसी दूसरे देश के नेशनल इंश्योरेंसी लॉ को मैच होगा जरूरी नहीं है, देयर विल बी सम एम्बिग्विटी, देयर विल सम कंफ्यूजन। तो ये एम्बिग्विटी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने, सबसे पहले मैं कहूँगा यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर एक लेजिस्लेटिव टेक्स्ट लाने की सबसे पहले घोषणा की थी 1966 में। 1966 में उन्होंने एक लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, जब मैं कहता हूँ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट मतलब क्या, उन्होंने हर मेंबर कंट्री को कहा कि आप, हम जो गाइडलाइंस दे रहे, हम जो लेजिस्लेशंस बता रहे, जो टेक्स्ट हम दे रहे, उनको ध्यान में रखते हुए आप आपके देश के इंसॉल्वेंसी लॉ को क्या करो, फ्रेम करो, बनाओ। तो दैट वाज अ लेजिस्लेटिव गाइड, दैट वाज अ लेजिस्लेटिव गाइड टेक्स्ट फॉर फ्रेमिंग द इंसॉल्वेंसी लॉ। बट बाद में यूएन को लगा कि हम जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो गाइडलाइंस हर मेंबर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है, जो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है, लेजिस्लेटिव गाइडलाइन है। तो यूएन ने अपना एक मॉडल लॉ, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कमीशन ऑन ट्रेड एंड लॉ, उन्होंने एक मॉडल लॉ, यूनिसेटल कहते हैं, मॉडल लॉ ऑन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, जिसको हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर उन्होंने अनाउंस किया। हमारी जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कमेटी है 2018 में, जस्ट लास्ट ईयर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कमेटी जो है उन्होंने इस मॉडल लॉ को अडॉप्ट करने को लेकर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। मतलब अभी तक आईबीसी कोड जो 2016 था उसमें कहीं ना कहीं ये जो मॉडल लॉ है यूनिसेटल का अभी तक 100% फॉलो नहीं हो रहा था। जस्ट लास्ट ईयर रिकमेंडेशन हुआ है गवर्नमेंट को कि जो भी हमारा आईबीसी कोड 2016 है उसके अंदर पूरा यूनिसेटल मॉडल लॉ अडॉप्ट होना चाहिए। तो अल से ये जो चैप्टर है, हमें सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में पढ़ना है। एक यूनिसेटल के पार्ट ऑफ व्यू से, व्हाट इज यूनिसेटल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। फिर एक वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर पढ़ना, और एक यूएस बैंक्रप्सी कोड, जो यूएस बैंक्रप्सी कोड है हमारे नोट्स में मैराथन के पेज नंबर 4 पर चैप्टर नंबर 1 में भी दिया हुआ है यूएस बैंक्रप्सी कोड, वही यहाँ पर दिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है ना इंडियन इंसॉल्वेंसी कोड का, उसमें भी यूएस बैंक्रप्सी कोड का रेफरेंस है। जब मैं यूनिसेट्रल कहता हूँ तो वहाँ पर आप नीचे देखना, ये तीनों पॉइंट्स के बाद यूनिसेट्रल में उन्होंने दिया है यूनिसेट्रल की ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशियंट इंसॉल्वेंसी लॉ एंड लेजिस्लेटिव गाइड, क्या दिया, लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ एंड मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आप समझना, एक लेजिस्लेटिव गाइड है और एक मॉडल लॉ है, दोनों का फर्क समझना है।
इनका यूनिसेटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी लॉ हो। यूएन के अलग अलग हम कह सकते हैं यूनिट्स हैं, जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए का एक यूनिट, एक सेपरेट पार्ट यूनिसेट्रल है, यूनिसेट्रल, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड वाइड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ लाना, इनका ऑब्जेक्टिव है। और इसको लेकर उन्होंने लेजिस्लेटिव गाइड भी लाया, समय समय पर जो अपडेट किया है, एंड मॉडल लॉ भी इंट्रोड्यूस किया, सब लोग है ना। फिर उधर नीचे आईबीसी कोड 2016 हमारा जो एग्जिस्टिंग आईबीसी कोड है उसमें सेक्शन 234 एंड 235 है जो इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर है, वो भी इस चैप्टर में दिया है। एंड जो मैंने कहा इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रिकमेंडेशंस, उसके नीचे लिखो, सब लोग आप नीचे आरो करके वहां पे लिखना, ऑन 16th अक्टूबर 2018 आप लिखना, ऑन 16th अक्टूबर 2018 द आईएलसी, ऑन 16th अक्टूबर 2018 द आईएलसी रिकमेंडेड अडॉप्शन ऑफ, recommended adoption of UNCITRAL, जो हमने देखा UNCITRAL, UNCITRAL model law of CBI, UNCITRAL model law of CBI, CBI मतलब यहां पे cross border insolvency, जो आप CBI सोच रहे हो वो CBI नहीं, UNCITRAL model law of CBI, cross border insolvency। और ध्यान रखना ये अभी 2018 में हुआ है रेकमेंड, और जून 2019 में आप मॉडल लॉ पर क्वेश्चन देखते हो एग्जाम, जून 2019 के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी के रेकमेंडेशन 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था, जून 2019 के एग्जाम में मॉडल लॉ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनीवेज बट यू शुड हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हिंट, जब हम पढ़ते हैं उसको आइडिया आता है वो, बट ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। फिलहाल से आप पेज नंबर 68 पर आओ, पहले इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है वो वहां पर, ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कैसे कहते हैं एंड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के क्या की ऑब्जेक्टिव्स है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं अभी अभी हमने देखा, वही पॉइंट वहां पे दिया, इंसॉल्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डेटर, मतलब कौन है, कॉर्पोरेट डेटर, ध्यान रखना ना, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, काफी डिस्ट्रेस्ड है, काफी बर्डनसम है, काफी खराब है, जिसके असेट्स या क्रेडिटर्स एक से ज्यादा कंट्री और जिसडिक्शन में, उसे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी कहते हैं, जिसका और एक नाम क्या है, इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी। हाँ, बट द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी रिजीम आर एज फॉलोज, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक्रोनिम के फॉर्म में हम कहते हैं मेट फ्रेट, ऐसे मैंने बना दिया मेट फ्रेट, रिदमिक वर्ड है इसलिए बनाया मेटफेट, मेट में एम स्टैंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, अरे सब लोग है क्या, ई स्टैंड फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, टी स्टैंड फॉर टाइमली एंड इम्पार्शियल रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये मेट हो गया, सब लोग है, देन अगेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स, equitable distribution to creditors, then transparent and predictable insolvency law, ये फ्रेट का ET हो गया, अरे बोलो, then G point उसे कट करो, G is a part of F only, recognition of existing creditors rights and establishing rules of ranking of priority claims, so it is recognition of existing creditor rights and priority claims, अरे बोलो, एंड एफ ए फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो इसमें मैट में तो पहले एबीसी हो गया, फ्रेट में फ्रेमवर्क इज, सब लोग है क्या, ऐसे सेवन क्या है की ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंसॉल्वेंस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पॉइंट, अगर हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव मोर ऑर द लेस आईबीसी में भी होते, अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जब किसी कंपनी के लिए रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, उस कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को बनाते वक्त जो लिक्विडेटर भी होगा, लिक्विडेटर भी ये लिक्विडेशन में आती है, ये कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है,
जो रजिस्ट्रेशन प्लान बनाने के लिए हेल्प करता है, वो भी उस वक्त ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ असेट्स आए। तो कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में जा रही है, फिर क्रॉस बॉर्डर क्यों ना हो, ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, क्रेडिटर्स को इक्विटेबल ट्रीटमेंट, क्रेडिटर्स के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली एंड इम्पार्शियल रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिटर राइट्स एंड प्रायोरिटी क्लेम्स, फ्रेमवर्क। सिर्फ ये जो पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वो वहाँ पे हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ आईबीसी। मतलब भले ही ऑब्जेक्टिव दिया, ऑब्जेक्टिव इज सेम लाइक ऑब्जेक्टिव वी डिस्कस इन आईबीसी ऑल्सो। अरे बोलो भाई, बट क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। फिर उसके नीचे अब देखना जो दिया है पॉइंट, यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ ऑन सीबीआई, दैट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। मैंने क्या कहा था, ये एक गाइड देते हैं और एक होता है टेक्स्ट। जो गाइड होता है, गाइड वो एक अलग एरिया में यूज होगा और टेक्स्ट अलग एरिया में। व्हाट दे हैव सेड यूनिसिटल, मैं चाहूंगा पहले वहां पे लिखो उसको लेकर मीनिंग, उधर ही ऊपर लिखो। अब लिखना यूएनजीए, वहां पे जगह है वहां पे लिखना यूएनजीए डैश यूनिसिट्रल, यूनिसिट्रल यूएनसिट्रल ब्रैकेट में लिखना 1966 डैश प्रिपेयर्स इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, प्रिपेयर्स इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट एंड नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट एंड नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट। सब लोग है क्या, फॉर यूज बाय कॉमन पार्टीज, फॉर यूज बाय कॉमन पार्टीज इन निगोशिएटिंग ट्रांजैक्शंस, इन निगोशिएटिंग ट्रांजैक्शंस By used by common parties in negotiating transactions. दो मिनट, इसमें अंडरलाइन करना लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, किसे अंडरलाइन करोगे लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, फिर अंडरलाइन करो नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट। जो नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो भी नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है उसके ऊपर से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट जो है इंडिया में फ्रेम हुआ ना, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट, ये नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट की तरह से अडॉप्ट हुआ है। और जो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है उसके तहत हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड देखते हैं। तो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट मतलब क्या, जिसको लेकर आप लॉ बनाओगे, वो टेक्स्ट जिसको लेकर लॉ बनाओगे, और नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट मतलब जिसको लेकर आप रूल्स बनाओगे। अधिको भाई मैं जो बोलो समझ रही, जो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिसको लेकर आप लेजिस्लेशन बनाओगे, लॉ बनाओगे। हाँ, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का लॉ बनाना है उसको लेकर लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, बट आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स है, रूल्स प्रोसीडिंग्स वो डिसाइड करने हैं, नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को सिर्फ रूल्स के लिए यूज हो जाएगा, नॉन लेजिस्लेटिव है ना। तो ये समझना है, यूनिसिट्रल जो है वो एक तो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट या नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट दोनों रिकमेंड करता है, दोनों प्रिपेयर करके रिकमेंड करता है, उसको लोग अडॉप्ट करते हैं। अब ये यूनिसिट्रल मॉडल लॉ, अगेन इट इज अ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट, क्योंकि यूनिसिट्रल मॉडल लॉ को ही हमारे आईबीसी में अडॉप्ट करने की बात हो रही है ना। तो व्हाट इज यूनिसिट्रल मॉडल लॉ, इट इज अ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द यूनिसिट्रल व्हिच इज अ बॉडी ऑफ यूएनजीए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ इज अ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय यूएनसिट्रल व्हिच इज अ बॉडी ऑफ यूएनजीए, यूएनजीए का एक छोटा सा पार्ट है ना। अरे बोलो भाई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट आता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद हम कह सकते हैं वहां पे पार्लियामेंट लोकसभा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा, और हम कहते हैं कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का असेंट है, वैसे वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के, हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम भी होता है, वो यूनाइटेड नेशंस यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एनवायरमेंट हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होगा,
ये यूनियन सेटल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉ को लेकर, यूएन की बॉडी, यूएन की वो बॉडी जो क्या कर रही है, लेजिस्लेटिव टेक्स्ट बना रही है, दैट इज मॉडल लॉ बना रही है, और वो मॉडल लॉ बना के हर मेंबर कंट्री को बोल रही है आप इस मॉडल लॉ को अडॉप्ट करो। पहले वो समझना है, सब लोग है ना, फिर क्या दिया पढ़ो, मॉडल लॉ इज अ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट रेकमेंडेड टू द स्टेट्स फॉर इनैक्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लॉ विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन। अब आसान लगेगा, अरे बोलो भाई, यूएन सेटल का ये जो टेक्स्ट है ये हर स्टेट, स्टेट मतलब कौन है, जो मेंबर्स हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए कहा है। मॉडल लॉज आर कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ, बोलो मॉडल लॉ, डायरेक्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ मॉडल लॉ। अच्छा, तो यूएन सेटल मॉडल लॉ क्या है, वो मॉडल लॉ वो लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है जो यूएन सेटल ने हर स्टेट को मेंबर को कहा है आप अडॉप्ट करो आपके नेशनल लॉ के लिए। अब ये जो मॉडल लॉज है, इस मॉडल लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स अब उधर आगे लिखना, प्रिंसिपल में अडॉप्टेड इन, ये प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड इन 44 कंट्रीज एज ऑन डेट। 44 कंट्रीज ने अपने लॉ को, इंसॉल्वेंसी लॉ को बनाने के लिए मॉडल लॉ को अडॉप्ट किया हुआ है। अरे बोलो बोलो, यूएन के तो मेंबर कंट्रीज काफी है, बट यूएन के मेंबर कंट्रीज में से आज के डेट तक कितने कंट्रीज ने अडॉप्ट किए मॉडल लॉ के प्रिंसिपल्स को, 44 कंट्रीज ने। अब ये मॉडल लॉ के प्रिंसिपल्स क्या है, तो मॉडल के प्रिंसिपल्स में वन इज एक्सेस, वन इज रिकॉग्निशन, सेकंड इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एक साथ लो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक और वहां पर ऐड करो, रिलीफ, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को एक साथ लो एंड रिलीफ ऐड करो। नाउ जब एक्सेस कहता हो, एक्सेस के पहले आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सेस, क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस, फिर रिकॉग्निशन, फिर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, फिर रिलीफ। जब मैं ये तो पहले पॉइंट दिया, एक्सेस, एक्सेस मतलब क्या, टू फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेन इंसॉल्वेंसी, जस्ट कट दैट प्रोसीडिंग्स, इट इज प्रोफेशनल्स, फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड क्रेडिटर्स टू पार्टिसिपेट और कमेंस डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डेटर। ओ ओ ओ, मॉडल लॉ कहता है जो भी फॉरेन के इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है और जो फॉरेन के क्रेडिटर्स है उन्हें आपके देश में उस डेटर के खिलाफ इन डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का डायरेक्ट एक्सेस दो। हम मॉडल लॉ देख रहे हैं ना, मॉडल लॉ, मॉडल लॉ क्या कहता है, भाई बाहर का भले ही क्रिएटर क्यों ना हो, बाहर का प्रोफेशनल क्यों ना हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब आज हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटर्न रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हुए एक बाहर के पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो बाहर का क्रेडिटर है, इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर का कोई क्रिएटर है इंडियन कंपनी का, तो बाहर का क्रिएटर उस इंडियन कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करा सकता है। तो कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस दो, किसको, टू द फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड क्रिएटर्स टू पार्टिसिपेट और कमेंस डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डेटर। आई होप इट इज क्लियर। उनको एक्सेस दो, एक्सेस देने के साथ साथ उनको क्या दो, रिकॉग्निशन दो। रिकॉग्निशन किसको दो, सुनो, रिकॉग्निशन फॉरेन प्रोसीडिंग्स को दो, उनके देश में जो कार्रवाई हुई है फॉरेन प्रोसीडिंग्स एंड प्रोविजंस ऑफ रेमेडीज, उसके नीचे लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑर्डर्स इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, क्या लिखोगे, ऑर्डर्स इशूड बाय, अरे बोलो, फॉरेन कोर्ट्स मतलब क्या, अगर फॉरेन कोर्ट में किसी इंडियन कंपनी के खिलाफ कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को इंडिया के अंदर यहां के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत जो अथॉरिटीज है उन्होंने उसको एनफोर्स कराना, वो एनफोर्स होगा तभी तो रिकॉग्निशन होगा ना। जब उनको रिकॉग्निशन दिया है मतलब उनके ऑर्डर्स को यहां पे आप वैलिड माना है। भाई फॉरेन प्रोफेशनल्स को एंड फॉरेन क्रिएटर्स को डायरेक्ट एक्सेस दो, फॉरेन ऑर्डर्स को रिकॉग्निशन दो, देन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दिखाओ, कितना कोऑपरेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कोर्ट्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, एक दूजे एक में का सहयोग करूं औगे धरू सुपंत, एक में एक दूजे की हेल्प करेंगे और तभी तो मैराथन से आगे बढ़ेंगे। अरे ये सुनो, तो बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कोर्ट्स जो दिए ना एंड इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, और फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू और मोर कॉन्करेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्करेंट मतलब क्या, सेम टाइम,
जब सेम समय पर दो अलग देशों में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेट कराओ, दोनों के जो ऑर्डर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करके पास करो। अरे बोलो भाई, ध्यान रखना मॉडल लॉ के जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स, अभी ये प्रिंसिपल्स कितने देशों ने अडॉप्ट किए, 44। वो कहते हैं ठीक है हम डायरेक्ट एक्सेस देंगे, हम आपके फॉरेन कोर्ट के ऑर्डर्स को हम रिकग्निशन देंगे, हम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन करेंगे, एंड देन रिलीफ, रिलीफ में आप लिखो उधर सब लोग रिलीफ के नीचे, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल नेसेसरी फॉर द ऑर्डरली एंड फेयर कंडक्ट, बेसिक प्रिंसिपल नेसेसरी फॉर द ऑर्डरली एंड फेयर कंडक्ट ऑफ सीबीआई, ऑर्डरली एंड फेयर कंडक्ट ऑफ सीबीआई मतलब क्या ना, ऑर्डरली मतलब क्या, स्ट्रक्चर्ड वे में, फेयर मतलब अच्छे तरीके से, इक्वल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ फेयर कंडक्ट ऑफ सीबीआई, उसमें लिखना आगे नीचे सिंगल आरो करके, दैट इज ऑटोमेटिक स्टे, आप लिखो ऑटोमेटिक स्टे अपॉन रिकग्निशन ऑफ मेन प्रोसीडिंग्स, ऑटोमेटिक स्टे अपॉन रिकग्निशन ऑफ मेन प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या रहे ऑटोमेटिक स्टे अपॉन रिकग्निशन ऑफ मेन प्रोसीडिंग्स, रिलीफ है ना, रिलीफ तो रिलीफ कहता है जिस किसी कंपनी के खिलाफ सीबीआई क्रॉस बॉर्डर इंसोरेंसी के तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गए, उसके खिलाफ के जितने भी कार्रवाई थे कोर्ट में उनके ऊपर ऑटोमेटिक स्टे आएगा। अरे हम वही तो देखते ना, कोई फर्दर पेटिशन उस कंपनी के खिलाफ फाइल नहीं हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल, उसी को अलग ढंग में प्रेजेंट करते हो, रिलीफ देना है। रिलीफ कैसे देना है भाई, अगर आपको उस क्रॉस बॉर्डर इंसोलेंसी को स्मूथली और इफेक्टिवली फेयरली कंडक्ट कराना है तो उनके खिलाफ के जितने भी मेन प्रोसीडिंग्स है उनके ऊपर ऑटोमेटिक स्टे लाना है। और सब लोग है क्या, ये थोड़ा सा ब्रेक के बाद खाना खाने के बाद जब डिस्कस करते ना तो और अच्छे समझते हैं। सब लोग है ना भाई, पक्का? तो ये प्रिंसिपल्स एक बार समझे कि नहीं मुझे बोलो, अगर वो मॉडल लॉ क्या है वो समझा, उसके प्रिंसिपल्स समझे, तो भाई ये प्रिंसिपल्स आए क्यों, इस मॉडल लॉ का पर्पस क्या है, पर्पस आपको पता है, पर्पस क्या है मॉडल लॉ का, एट पार लाना है इंटरनेशनल जितने प्रैक्टिस है सबको एट पार लाना है। तो देखो उसमें पर्पस में जो दिया है उस पर्पस में कोऑपरेशन, देन लीगल सर्टेनिटी जो दिया ना फॉर ट्रेड, वो एनवायरमेंट फॉर ट्रेड एंड एनवायरमेंट कट करना, फॉर ट्रेड के आगे लिखना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखना, वो लीगल सर्टेनिटी फॉर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। भाई अगर यूनिसेट्रल मॉडल ऑफ अडॉप्ट होगा तो बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी उस देश में, वो बोलेंगे ना भाई हमारे देश में हुआ तो भी उधर एक्सेप्टेबल है, हम इन्वेस्ट करेंगे उधर। इंडिया में एफडीआई कैसे बढ़ेगा जब इंडिया यूनिसेट्रल को अडॉप्ट करेगा, तो पर्पज इज कोऑपरेशन दिलाना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बनाना, देन क्या दिया फेयर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीबीआई, देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू वो तो रहेगा, एंड रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेसेस, उसके आगे लिखना प्रोटेक्टिंग ट्रबल्ड बिजनेस के आगे लिखना प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रिजर्विंग एम्प्लॉयमेंट, रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेसेस कैसे होगा, रेस्क्यू कैसे होगा, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रिजर्विंग एम्प्लॉयमेंट। जो फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेसेस, दोस्तों इसका मतलब समझना, हम पढ़ेंगे इसमें आगे, वो यूनिवर्सल मॉडल लॉ कहता है, ध्यान सुनना, जो कंपनी इस इंसॉल्वेंसी स्टेट में, कौन से स्टेट में, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन नहीं, जो कंपनी इंसॉल्वेंसी के स्टेट में है उस कंपनी को किसी और कंपनी को हैंड ओवर मत करो, उस कंपनी के बिजनेस को रोको मत, उस कंपनी को थोड़ा फ्रीडम दो, उसको थोड़ा छूट दो, गलती हो गई है उसको गलती को दुरुस्त करने के लिए मौका दो, ताकि कंपनी बंद नहीं होगी तो कंपनी का बिजनेस चलेगा और कंपनी के ऊपर जो डिपेंडेंट एम्प्लॉयज है उन्हें भी रोजी रोटी मिलती रहेगी। तो द रेस्क्यू
द फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेसेस प्रोटेक्टिंग, क्योंकि उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो हुआ ना, तो कंपनी बनी रही तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। अरे बोलो भाई, कॉपरेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेस को प्रोटेक्ट करना और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, मेंटेन रखना। स्कोप, मॉडल लॉ का स्कोप, जरा ये स्कोप पढ़ो। स्कोप मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इनडायरेक्टली। मॉडल लॉ जब कहा, फॉरेन प्रोसीडिंग्स का रिकग्निशन, फॉरेन प्रैक्टिसनर्स को डायरेक्ट एक्सेस, तो स्कोप में क्या दिया बोलो ना। देखो मैं किसे मैं करूं, मतलब भाई फॉरेन स्टेट में और इंडियन स्टेट में, जब मैं इंडिया की बात करो, डोमेस्टिक या फॉरेन, दोनों के जो क्रिएटर्स है, दोनों के जो प्रैक्टिशनर्स है, उन दोनों को एक दूसरे के एरियाज में, एक दूसरे के टेरिटरीज में प्रैक्टिस करने के लिए और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फाइल करने के लिए आप एक्सेस दोगे, दिया ना। असिस्टेंस इज सॉट इन दिस स्टेट बाय अ फॉरेन कोर्ट और रिप्रेजेंटेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग्स, एंड असिस्टेंस सॉट इन अ फॉरेन स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इन दिस स्टेट। अरे बोलो भाई, समझ रहा? उधर कंक्लूजन लाउडली बोलो सब लोग, क्या लिखा? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडल लॉ एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इन एक्टिंग द मॉडल लॉ आउट ऑफ एनी ट्रीटी, द ट्रीटी और एग्रीमेंट शैल प्रिवेल। मॉडल लॉ में और दो स्टेट्स, मैंने कहा ना एक फॉरेन स्टेट एक डोमेस्टिक स्टेट, उन दोनों स्टेट के बीच में कोई ट्रीटी हुआ है मॉडल लॉ के तहत, मॉडल लॉ को बेस करके ट्रीटी किया ना, तो ट्रीटी और मॉडल लॉ में क्या प्रिवेल होगा? ट्रीटी प्रिवेल होगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? ट्रीटी किसे कहते हैं? जो एग्रीमेंट हुआ है डोमेस्टिक स्टेट में और फॉरेन स्टेट में, उस एग्रीमेंट को इंपॉर्टेंस आता है, वो स्पेसिफिक है ना। मॉडल लॉ तो जनरल हर स्टेट के लिए, आप वहां पे सिर्फ ऊपर अब लिखना, उधर जो स्कोप था ना, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन या यूनिवर्सल मॉडल लॉ जो लिखा, यूनिवर्सल मॉडल लॉ के उधर एरो करके लिखना, इट डज नॉट अप्लाई टू डैश एंड डैश। कोई बोलेगा क्या ये मॉडल लॉ कौन से कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइजेस को एप्लीकेबल नहीं है? तो लिखो, इट डज नॉट अप्लाई टू बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। मॉडल लॉ, इट डज नॉट अप्लाई टू बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ध्यान रखना। वाई? हमारा आईबीसी भी एप्लीकेबल नहीं है उनको, आईबीसी भी एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज यूनिसिटल कहता है वो भी मॉडल लॉ एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज वो भैया स्पेसिफिक, उनके स्पेसिफिक प्रोविजन है। ये जो हम यूनिसिटल देख रहे हैं वो तो जनरल कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए, हम जैसे कंपनी का एप्लीकेबिलिटी कहते ना, जहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या इंश्योरेंस एक्ट साइलेंट है, वहां पे कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है। अरे बोलो भाई, सेम वे में वो दिया। आई गिव यू वन मिनट, वो मॉडल लॉ पहले देख लो, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मॉडल लॉ, उसको मैंने देखो प्रॉपर पॉइंट्स में डिवाइड किया, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, पर्पस, स्कोप, कंक्लूजन। है सब लोग? समझे तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। पक्का? तो मुझे बोलो, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ और यूनिसेट्रल लेजिस्लेटिव गाइड दोनों में क्या फर्क है? मॉडल लॉ क्या है? टेक्स्ट है। मॉडल लॉ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है, और यूनिवर्सल लेजिस्लेटिव गाइड ये सिर्फ एक गाइडेंस है आपके देश में आपको लॉ बनाने के लिए, जो गाइडेंस आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये गाइडेंस है। और टेक्स्ट मतलब एज इट इज उसको अडॉप्ट करो, समझ रहे कि नहीं? तो आगे जो क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन मेंशन द की प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ। अरे बोलो भाई,
तो मेरे साथ जो मैंने ऑलरेडी कहा है आप उसके अनुसार सर वो लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी लॉ वाज प्रिपेयर्ड बाय यूएन यूनिसेट्रल, आप उसके आगे लिखना फ्रॉम अ प्रपोजल रिसीव्ड इन 1999। और फिर उसके स्कोप ऑफ द लेजिस्लेटिव गाइड आपको पता चलेगा, अंडरलाइन करना, यूज एज अ रेफरेंस, ब्रैकेट में डाल रहा हूं, by national authorities and legislative bodies while preparing new laws or reviewing the adequacy of existing laws and regulations, discusses issues central to the design of an effective and efficient insolvency law, discusses the importance of tools for addressing insolvency restructuring negotiations entered between debtor and udhar likhna key creditors which are not cut karo regulated by insolvency law, key creditors which are not regulated by insolvency law. बोलो इसका मतलब, जहां पे जिन debtors और creditors के बीच में, important creditors के बीच में insolvency law applicable नहीं होता है, वहां पर भी इन tools का इस्तेमाल किया जा सकता है restructuring के लिए, negotiations के लिए, insolvency के लिए. तो लेजिस्लेटिव गाइड इज यूज एज अ रेफरेंस, इट हेल्प्स इन डिस्कसिंग सेंट्रल इश्यूज फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूल्स, जहां पे इंसॉल्वेंसी लॉ एप्लीकेबल नहीं वहां पर भी यूज होगा. अरे बोलो भाई, मतलब क्या, जहां पर रेगुलेटेड बाय इंसॉल्वेंसी लॉ विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय इंसॉल्वेंसी लॉ. अरे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर नॉट रेगुलेटेड ना. अरे बोलो ना, तो उनके डिस्प्यूट्स, उनके केस में भी डेटा क्रिएटर के बीच में हम ये थोड़ा इसके टूल्स यूज कर सकते हैं, ये वो कह रहे हैं. अच्छा, रीड द पर्पस जो दिया, अगेन द सेम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क, असिस्ट इंसॉल्वेंसी लॉ रिफॉर्म्स, अचीविंग बैलेंस बिटवीन द नीड्स टू एड्रेस डेटर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी एंड स्टेक होल्डर्स, लिखूंगा मैं डायरेक्टली, मार्क करूंगा स्टेक होल्डर्स, बैलेंस बिटवीन द डेटर एंड द स्टेक होल्डर. भाई किसी विन विन मॉडल ना, कॉर्पोरेट डेटर का भी उतना ही ध्यान रखा जाए या जितना स्टेक होल्डर का ध्यान रखा जाए, उतना कॉर्पोरेट डेटर का, जितना कॉर्पोरेट डेटर का उतना स्टेक होल्डर का, एंड इवेल्युएट द डिफरेंट अप्रोचेस एंड सोल्यूशंस अवेलेबल. ये चार पर्पजेस है लेजिस्लेटिव गाइड के. अगेन 30 सेकंड देर, ध्यान रखना लेजिस्लेटिव, शुरू में ये आपको समझने के लिए, आई डोंट नो आपने घर में पढ़ते हो इतना इन डिटेल इसको देखा है कि नहीं, लेजिस्लेटिव गाइड, लेजिस्लेटिव टेक्स्ट मॉडल लॉ, नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट रूल्स, एंड गाइड इज यू कैन जस्ट यूज एज अ रेफरेंस. क्लियर? तो ये गाइड कितने एरियाज में दिया है? नेक्स्ट इसमें देखो, चार एरियाज में ये गाइड है. अब ये रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है ना, तो पहला गाइड कहां पर यूज हो रहा है? इंसॉल्वेंसी लॉ के ऑब्जेक्टिव्स को, अरे बोलो, सेट करने के लिए ये गाइड यूज किया जाएगा. देन नंबर टू, इंसॉल्वेंसी लॉ के कोर फीचर्स के लिए गाइड यूज किया जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ एंटरप्राइज ग्रुप्स इन इंसॉल्वेंसी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. एंटरप्राइज ग्रुप्स मतलब क्या? रिलेटेड पार्टीज. अरे बोलो भाई, सब लोग है क्या? उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा वो? एंड देन obligations that might be imposed upon those responsible with respect to making decisions with respect to the management of an enterprise facing imminent insolvency or insolvency becomes unavoidable. मतलब क्या दिया? Obligations that might be imposed upon those responsible for making decisions. Who is responsible for making decisions? Who? Management ना, board. तो obligations मतलब उनकी duties क्या है? That might be imposed upon those responsible for making decisions. उसके लिए भी एक गाइड है. तो ये यूएन का लेजिस्लेटिव गाइड इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए कैसे रेफरेंस के तौर पे काम में आता है? तो इंसॉल्वेंसी लॉ के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए, पढ़ो जरा वो दो पॉइंट्स, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ की इंसॉल्वेंसी लॉ में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ की इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ो. और अब आईबीसी कोड 2016 के साथ उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, यस, हमारे यहां पर भी इंसॉल्वेंसी लॉ एंड अदर लॉज का कंपैरिजन किया हुआ है. प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट,
जो अलग अलग सब आए, फिर हम कहते कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनके अंदर भी जो इंसॉल्वेंसी के लॉस थे उन सब के वो रिलेशनशिप के तहत कॉमन कोड लाया ना। अरे बोलो भाई। देन टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स अवेलेबल फॉर रिजॉल्विंग अ डेटर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी, हम रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, रेजोल्यूशन प्लान बनते ऑब्जेक्टिव में आएगा। देन कोर फीचर्स में पढ़ो, क्या दिया, वेरियस स्टेजेस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फ्रॉम देयर कमेंसमेंट टू द डिस्चार्ज ऑफ अ डेटर एंड क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो मैं कहता हूँ कमेंसमेंट, फिर डिस्चार्ज और फिर क्लोजर, तीनों स्टेजेस के लिए ये कोर फीचर्स काम में आएंगे, ये गाइड। कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, डिस्चार्ज ऑफ द डेटर एंड क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इन तीनों एरियाज में हेल्पफुल है ना। अच्छा, थर्ड पार्ट जो मैंने कहा था कि एंटरप्राइज ग्रुप्स, वो पढ़ो जरा लाउडली, कह दिया उसमें एंटरप्राइज ग्रुप्स में, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ इट, जो मैंने ऑलरेडी कहा है ग्रुप एंटरप्राइजेस। उसमें एक क्या दिया, डोमेस्टिक लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल। डोमेस्टिक लेवल में भी क्या दिया, टू स्ट्रीमलाइन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग टू और मोर मेंबर्स ऑफ सेम एंटरप्राइज ग्रुप। और इंटरनेशनल लेवल में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स टू एड्रेस एंटरप्राइज ग्रुप्स इंसॉल्वेंसी इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। अरे बोलो भाई, सब लोग हैं। लास्ट इसमें ऑब्लिगेशंस में क्या दिया, टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो मैं कहूंगा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स हो गया तो यहां पे किसका होगा, एंटरप्राइज। अरे भाई बैलेंस मेंटेन करते ना, बैलेंस भूलो क्या, इसका पर्पस क्या, बैलेंस। बैलेंस में तो ये आएगा ना, ऑब्लिगेशंस मैनेजमेंट को देना है कि भाई तुम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो एंड एंटरप्राइज के बारे में सोचो। दिस द की प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेटिव गाइड। लेजिस्लेटिव गाइड के की प्रोविजंस, उसका पर्पस, उसका स्कोप, उसका मीनिंग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कल को आ गया डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेट्रल मॉडल लॉ एंड यूनिसेट्रल लेजिस्लेटिव गाइड, लिखते आना चाहिए। कैसे लिखने का, मॉडल लॉ छापने का, लेजिस्लेटिव गाइड लिखने का, और कंक्लूजन देने का, दस बहुत आर डिफरेंट। स्टूडेंट होते एग्जाम में डिफरेंस लिखते बैठते, प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो आप, डोंट डू दैट फुलिशनेस। वो जो भले पूछते वहां पर डिफरेंस, इट मीन्स दे वॉन्ट फ्रॉम यू बोथ। और फिर उसे नीचे आप वो कंक्लूजन देके उसे बताओ कि एक समरी दो कि भाई इसमें ये है, इसमें ये, तो ये अलग है, दो सेम नहीं है। डिफरेंस डजंट मीन दैट दे वॉन्ट एक्चुअल डिफरेंस, वो तो अलग है तो डिफरेंस ही होगा। क्लियर है? हाँ, वो जो नीचे दिया है, क्या दिया, हाउ आर बैंक्रप्सी केसेस डेल्ट इन यूएसए, मेंशन द सिक्स टाइप्स ऑफ बैंक्रप्सी केसेस प्रोवाइडेड इन द यूएस बैंक्रप्सी कोड चैप्टर 14 जो हमारा फर्स्ट, उधर लिखो पेज 4 हमारे नोट्स का, पेज 4 में, तुरंत पेज 4 में आओ, आपके मैराथन नोट्स के पेज नंबर 4 में आया तो वहीं पे पढ़ लेते, फिर पेज नंबर 74 फिर जाएगा। पेज नंबर 4 पर यूएस बैंक्रप्सी कोड दिया ना, है क्या सब लोग? उस यूएस बैंक्रप्सी कोड को जब हम डिस्कस करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैंक्रप्सी लॉ का ओरिजिनेट कैसे हुआ उसको लेके सब दिए पॉइंट। तो मैं जो बता रहा हूँ, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में बैंक्रप्सी लॉज में इन्वॉल्व्ड लॉज, बैंक्रप्सी लॉज इन्वॉल्व्ड इम्प्रिजनमेंट अंटिल डेब्ट्स वर पेड। वहाँ पे यूएस में जब पहली बार कानून बना तो जब तक जिसने डिफॉल्ट किया है जब तक वो पैसा नहीं दे वो जेल में रहता था, या फिर जब तक क्रेटस उसे रिलीज करने के लिए एग्री ना हो तब तक वो जेल में रहता था। अरे बोलो भाई, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, हर स्टेट का अपना अपना लॉ था। अरे बोलो, और जब भी इकोनॉमिक रिसेशन आता था एक टेम्पररी स्टैट्यूट आता था, रिसेशन खत्म स्टैट्यूट खत्म। बट 1898 में नेशनल बैंक्रप्सी एक्ट लाया गया जिसमें टू प्रोवाइड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डेटर एज एन अल्टरनेटिव टू लिक्विडेशन ऑफ असेट्स। रिहैबिलिटेशन, व्यसन मुक्ति के तरह कहते हैं हमारे इधर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, है ना। इंडिया में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं ना वो व्यसन मुक्ति केंद्र होते हैं, तुमको जिसकी लत है वो लत वहां से निकल जाती है। यहां पे ये रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डेटर है, मतलब क्या, उस डेटर का पुनर्वसन है, पुनर्वसन।
है ना, तो कह दिया प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डेटर एज एन अल्टरनेटिव टू लिक्विडेशन ऑफ असेट, उसको लिक्विडेट करने की जगह उसका पुनर्वसन करो भाई, उसको उसका घर फिर से बसाओ। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिहेबिलिट किया, पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक्स है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको रिहेबिलिटेशन करने का गवर्नमेंट का चल रहा है, ऑलरेडी हुआ ना मर्जर, ये सुनो अभी एयर इंडिया को चल रहा है, बीएसएनएल का चल रहा है, व्हाट इज दैट रिहेबिलिटेशन। तो यूएन में था टू यूनाइटेड स्टेट्स में टू प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डेटर्स, नेशनल बैंक्रप्सी एक्ट, और फिर 1978 में बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स एक्ट आया जिसने बैंक्रप्सी कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड मेड प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट बैंक्रप्सी जजेस। वो जो बैंक्रप्सी एक्ट आया 1978 का, उसी एक्ट के ये सिक्स कैटेगरीज है, अब देखना उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया। एक लिक्विडेशन, क्या दिया, तो लिक्विडेशन किसको लेकर होगा बोलो, लिक्विडेशन में कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर टुक पोजेशन ऑफ नॉन एग्जम्प्टेड असेट्स, सो ये कंपनी को लेकर। देन सेकेंड म्यूनिसिपैलिटी को लेकर, देन थर्ड आई विल से रीऑर्गेनाइजेशन प्लान को लेकर, फोर्थ फैमिली फार्मर और फिशरमैन को लेकर है, फिफ्थ इंडिविजुअल को लेकर है, सिक्स्थ डेटर्स क्लेमेंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज इन्वॉल्विंग मोर देन वन कंट्री, मतलब क्रॉस बॉर्डर को लेकर, जो डेटर्स क्लेमेंट्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज एक से ज्यादा देश में उसको लेकर है। हाँ, हम जो क्रॉस बॉर्डर पढ़ रहे हैं वो यहां पर है, हाँ, बट यूएस के जो बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स एक्ट है 1978, उसने कितने एरियाज में बैंक्रप्सी कोड लाया, छह एरियाज। पहला जो दिया है अ कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर टुक पोजेशन, सेकंड में म्युनिसिपैलिटी को उन्होंने, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते ना उनको भी प्रोटेक्शन दिया, एक कंफर्म पेमेंट प्लान के तहत रीऑर्गेनाइजेशन दिया, मतलब क्या बिजनेस ऑपरेशंस को बंद नहीं किया, उनको कंटिन्यू करने का रीऑर्गेनाइजेशन, डेटर रिमेन्स इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, अरे बोलो, एंड पेज क्रिएटर्स थ्रू अ कोर्ट अप्रूव्ड रीऑर्गेनाइजेशन प्लान। आपको क्या लगता है ज्यादातर कंपनीज लिक्विडेशन में जाएगी या रीऑर्गेनाइजेशन में जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उसमें कंपनी बनी रहती है एट द सेम टाइम उन्हें वक्त मिलता है। कई बार आप देखो इंडिया में भी जो बैंक्स होती है वो किसी कंपनी को रीशेड्यूलिंग करती है, डेप्ट को पे करने के लिए वक्त देती है, व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, अरे है कि नहीं सब लोग, वो सिक्स एरियाज है, रख पाओगे नहीं याद, तो यहां पे लिखो इस पेज नंबर 4 के अंदर रेफर पेज 70, पेज 70 पर उसका जैसे वो रेफरेंस दिया ना, उस रेफरेंस में पेज 70 पर उस रेफरेंस में आओगे, देन वहीं पर जो हमने सिक्स लॉज देखे वो मैंने डिस्कस करने का पर्पस क्या आपको समझेगा। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया उधर हेडिंग, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन कौन सा चैप्टर है, मतलब हमारे जो सिक्स थे ना यूएस के, उसमें से रीऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर टू था ना, हाँ, सो दैट पॉइंट पेज नंबर 4 पर देखो ना हमारे, ना 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 ना, व्हाट आई एम सेइंग, पेज नंबर 4 पर वो जो चैप्टर 11 है ना रीऑर्गेनाइजेशन, उसको लेके डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, रीऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, चैप्टर 11, जस्ट मेक इट चैप्टर 11, और उस चैप्टर 11 के साइलेंट फीचर्स दिए, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंपनी इज नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कंपनीज डोंट फाइल टू लिक्विडेट, मैनेजमेंट रिमेन्स इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशंस आर नॉट इंटरप्टेड, हालांकि ऑटोमेटिक स्टे प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन, मतलब रिलीफ मिलता है ना, याद है क्या, रिलीफ। देन मोस्ट पब्लिक कंपनीज प्रेफर टू फाइल अंडर चैप्टर 11 बिकॉज दे कैन स्टिल रन देयर बिजनेस एंड कंट्रोल बैंकरप्सी प्रोसेस, अरे बोलो भाई, तो कंक्लूजन पढ़ो लाउडली, दस अंडर रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी सक्सेसफुली वर्क्स आउट अ प्लान टू रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी, कीप्स डूइंग बिजनेसेस, इट्स स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स कंटिन्यू ट्रेड इन मार्केट इंस्टेड ऑफ लिक्विडेशन, सब लोग हैं, अच्छा, हमने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी उसके ऑब्जेक्टिव्स, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ उसका मीनिंग पर्पस उसका स्कोप,
यूनिसिटल लेजिस्लेटिव गाइड, उसका मीनिंग पर्पस, और अभी यूएस बैंक्रप्सी कोड, उसमें फिर रीऑर्गेनाइजेशन देखा। हमने जो यूनाइटेड नेशंस का मॉडल लॉ देखा था ना, उस मॉडल लॉ के कितने प्रिंसिपल देखे थे? एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एंड रिलीफ। नहीं, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन वन एंड द सेम वी आर ट्रीटेड। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, इन प्रिंसिपल्स में जो रिलीफ वाला प्रिंसिपल था, रिलीफ वाला प्रिंसिपल था ना, वो प्रिंसिपल क्यों अहम है आप अगले पेज पर आपको पता चलेगा। आर्टिकल 21 में वो मॉडल लॉ के अंदर दिया है, क्या दिया हेडिंग? अंडर यूनिसिटल मॉडल लॉ व्हाट आर द रिलीफ्स दैट मे बी ग्रांटेड अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन प्रोसेस अंडर आर्टिकल 21। वेट अ मिनट, क्वेश्चन पढ़ो, गड़बड़ मत करो आंसर के लिए। व्हाट आर द रिलीफ्स दैट मे बी ग्रांटेड अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन प्रोसेस? एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या? उसको रिकॉग्निशन देने के बाद क्या रिलीफ मिलेगा? एक होता है एप्लीकेशन देने पर क्या रिलीफ मिलेगा, एक होता है रिकॉग्निशन देने पर क्या रिलीफ मिलेगा। ये रिकॉग्निशन देने पर क्या रिलीफ मिलता है? तो रिलीफ में वो पॉइंट्स, जस्ट मेक इट नंबर द वन, मुझे ऑलरेडी दिया 7 पॉइंट्स है उधर। अरे बोलो भाई, पहला पॉइंट क्या? स्टेइंग द एक्शन। तो उसमें आप मार्क करो स्टेइंग एक्शंस। सेकेंड में स्टेइंग एग्जीक्यूशंस, देन सस्पेंडिंग द राइट टू ट्रांसफर एनी असेट। वो असेट बेच नहीं सकता ना, अरे बोलो भाई। देन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, अरे बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल असेट्स, उन असेट्स का कस्टडी लिया जाएगा ना, उनका ध्यान रखा जाएगा, एक्ट एज ए मैनेजर रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी। देन रिलीफ ग्रांटेड अंडर, एक्सटेंडिंग रिलीफ ग्रांटेड अंडर टू एंड फाइव अबो, टू एंड फाइव अबो। देन ग्रांटिंग एनी एडिशनल रिलीफ टू एनी पर्सन और एडमिनिस्ट्रेटर। और नीचे नोट पढ़ लो, नोट का मीनिंग बोलो मुझे क्विकली। नोट का मतलब जिस फॉरेन कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, समझना, जिस फॉरेन कोर्ट में कार्रवाई हो रही है उसको फॉरेन मेन प्रोसीडिंग कहेंगे। बस जिस फॉरेन कंट्री में, फॉरेन एरिया में उस कॉर्पोरेट डेटर का कोई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिशमेंट है, एसेट है, तो फॉरेन नॉन प्रोसीडिंग है, कार्रवाई वहां पे नहीं हो रही, उसका एसेट है वहां पे। क्या दिया पढ़ो, अ फॉरेन प्रोसीडिंग शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन मेन प्रोसीडिंग इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टेट वेयर द डेटा हैज द सेंटर ऑफ इट्स मेन इंटरेस्ट, और एज अ फॉरेन नॉन प्रोसीडिंग मेन प्रोसीडिंग इफ द डेटा हैज एन एस्टेब्लिशमेंट विद इन द फॉरेन स्टेट। अरे बोलो भाई, ये सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है, सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट, इट्स फॉर रिलीफ, फॉर रिलीफ। वो जो हमने लिखा था ना मॉडल लॉ, वो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन था ना मॉडल लॉ में, प्रिंसिपल्स में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में हो, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा था, कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा था बोलो धीरे धीरे। बिटवीन टू और मोर कॉन्करेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज, उसके नीचे लिखना बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, यहां पे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट। स्टूडेंट को समझते नहीं सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट क्या है, कौन बोलो क्या है सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट, व्हाट इज सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट? फॉरेन प्रोसीडिंग जिस फॉरेन कंट्री में हो रहा है, अगर वो फॉरेन कंट्री में फॉरेन प्रोसीडिंग कार्रवाई हो रही है तो दैट इज सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट। बट उस फॉरेन कंट्री में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, क्या है
एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग, आपका एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए वहां पे कार्रवाई हो रही है, आपका वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए कार्रवाई। अच्छा एग्जांपल देता हूं, इंफोसिस पर अभी विसल ब्लोअर फ्रॉम यूएस ने इल्जाम लगाया, विसल ब्लोअर फ्रॉम यूएस ने इल्जाम लगाया कि उनके जो बैलेंस शीट पीएनएल है वो क्या है, एस्केलेटेड है, वो कहां पे लगाया, यूएस में। अब यहां पे सेबी ने कार्रवाई शुरू की, इंडिया में सेबी ने कार्रवाई शुरू की, बट इंफोसिस एस्टेब्लिशमेंट इधर है, मेन एस्टेब्लिशमेंट, समझ रहा है क्या? तो ये नॉन प्रोसीडिंग होगा, मेन तो यूएस में ना। अरे बोलो भाई, समझ रहे ना? देन हो गया ना, फिर चैप्टर इज जस्ट अबाउट टू गेट। एक सेकेंड लास्ट कंसेप्ट है, व्हाट इज दैट? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस इन आईबीसी कोड 2016। उसमें आप सिर्फ वो जो दिए ना पॉइंट नंबर वन उसे कट करो, इट इज 234 235, फिर उसके नीचे जस्ट चेंज द सीक्वेंस, इट इज 1 2 3 एंड 4, और जो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दिया ना अभी सीक्वेंस चेंज हो गया, उसके हिसाब से 1 और 2 को लिखो, 1 के लिए तो लिखना 234 1, 2 को लिखना 234 सब क्लॉज 2, देन पॉइंट नंबर 3 के लिखो 235 सब क्लॉज 1, पॉइंट नंबर 4 के लिखो 235 सब क्लॉज 2। तो ये क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंसी को लेकर आईबीसी में जो दो सेक्शन है वो दो सेक्शन वहां पर दिए। अरे बोलो, पेज नंबर 73 पर दिया ना, मैंने क्या कहा, जो पहला पॉइंट है वो हेडिंग है सेक्शन 234 एंड 235, उस हेडिंग के तहत वो चार प्रोविजन है, पहले दो प्रोविजन जो है वो 234 सब क्लॉज 1 एंड 234 सब क्लॉज 2 को लेकर, और अगले दो 235 सब क्लॉज 1 235 सब क्लॉज 2। अच्छा पहले दो प्रोविजंस पढ़ो जरा, क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट उसने रेफरेंस दिया, बोलो मुझे क्या है, हेडिंग्स पढ़ो मार्जिन में दिया, सीजी एग्रीमेंट विद, जिसको हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहते कहते ना, सेकंड पॉइंट कह दिया, मतलब क्या, ये एप्लीकेशन अगेन वो उस देश के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स यहां पे एप्लीकेबल होंगे, यहां के प्रोसीडिंग्स वहां पे एप्लीकेबल होंगे, ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत होगा। पढ़ो पहले वन लाउडली सेंटर में, द सीजी में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, हमारी जैसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरे देश में आता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है, वैसे ही आईबीसी के तहत बाहर के किसी देश में असेट को क्या करना है, लिक्विडेट करने के लिए रियलाइज करना है, तो वो क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंसी के तहत उस असेट को कस्टडी में लेंगे ना। अरे वो लिक्विडेटर जब असेट को बेचने के लिए, वो असेट को रियलाइज करने के लिए उस असेट को कस्टडी में तो लेना पड़ेगा ना, नंबर वन। नंबर टू क्या दिया, सीजी में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन रिलेशन टू असेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटर और डेटर सिचुएटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया विथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, मतलब क्या, बोलो, इन रिलेशन टू असेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएटर और डेटर, मतलब पहले में एग्रीमेंट है विद अ फॉरेन गवर्नमेंट, पहले में एग्रीमेंट है और सेकेंड में इस कोड के प्रोविजंस उस एग्रीमेंट के तहत उस असेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटर और डेटर को एप्लीकेबल है, उस मतलब पॉइंट नंबर वन की वजह से पॉइंट नंबर टू एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर वन में जब एग्रीमेंट हुआ तब पॉइंट नंबर टू के तहत वो असेट्स जो दूसरे देश में, उसको आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत क्या कर सकते हो, रियलाइज करने के लिए लेके आ सकते हो, समझा? 235 क्या दिया, बोलो, रेजिडेंशियल प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन टू ए, मतलब क्या, एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी, पढ़ो, एनी एविडेंस और एक्शन रिलेटिंग टू असेट्स ऑफ क्रिएटर और डेटर आर कट करो सिचुएटेड इन, सच कट करो सिचुएटेड इन कंट्री, और उस कंट्री के उधर से आप नीचे एरो दो और लिखो वहां पे सिचुएटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, सिचुएटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखो विथ होम, बोलो लिखा है ना, विथ होम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड,
with whom reciprocal arrangements have been made. With whom reciprocal arrangements have been made. उसके नीचे सिंगल आरो करके लिखो evidence or action. Evidence or action in relation to such assets. Evidence or action in relation to such assets is required in connection with is required in connection with such process or proceeding. Such process or proceeding. Oh, oh, oh. बोलो 234 सब क्लॉज 1 में हमारी गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया. 234 सब क्लॉज 2 में हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया वो कौन से असेट्स है क्रेडिटर और डेटर के जिसको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के अंदर इंक्लूड किया. 235 में अब उस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उस देश में एड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई किया है और बोला है हमारे यहाँ पे सॉरी हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई किया और बोला है कि उस दूसरे देश में जो असेट है उसको हमें प्रोसीडिंग के तहत हमारे पास चाहिए. और फिर 235 सब क्लॉज 2 में दिया है उनका एप्लीकेशन आने के बाद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो हमारे देश का है में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट और एन अथॉरिटी ऑफ सच कंट्री कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट. सीक्वेंस देखा क्या सीक्वेंस अगेन क्योंकि ये आईबीसी कोड का क्रॉस बॉर्डर इंसोलेंसी है आईबीसी कोड का तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज यूनिसिटल वगैरह बात में हो पहले घर के प्रोविजंस पता है कि नहीं बोलो पहले घर का 234 235 पता है कि नहीं. सीक्वेंस मैंने बताया आपको 234 का क्या था हमारी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेगी और उस एग्रीमेंट के तहत उस रेसिपुलर एग्रीमेंट के तहत हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई करेगी वो कौन से डेट असेट्स है जो डेटा क्रिएटर के जिसको हम प्रोसीडिंग्स के तहत रिकवर कर सकते हैं. फिर पॉइंट नंबर 3 में 235 सब क्लॉज में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को उस असेट और पर एक्शन लेने के लिए बोलेगा जो दूसरे फॉरेन स्टेट में सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री ताकि उसे वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग के लिए हेल्पफुल हो. फिर उसका रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आने के बाद वो जो एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा उस देश के वहाँ के अथॉरिटीज़ को और उसके बेसिस पर वो असेट पर एक्शन लिया जाएगा. अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ सच कंट्री कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट. समझा ना क्रॉस बॉर्डर इंसोलेंसी चार स्टेप्स चार पॉइंट्स एंड देन ऑन द फर्स्ट पेज नंबर 67 अब जस्ट देखो वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल्स दिए वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल्स 67 मिला आपको वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल्स. इफ यू सी इन दैट सेकेंड पॉइंट स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिटर राइट सिस्टम्स एज फॉलो क्रेडिटर राइट सिस्टम हमने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में देखा था एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ और यहां पे देख रहे स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिटर राइट्स सिस्टम एज फॉलोस. अरे आज जो आप लोग का क्रेडिट हिस्ट्री निकलता है ना सिबिल रिपोर्ट जो निकलता है आज से 20 साल पहले नहीं था सिबिल 15-20 साल पहले ये पिछले 10-12 सालों में सिबिल हुआ है. क्यों वर्ल्ड बैंक का प्रिंसिपल वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपके देश में हर व्यक्ति की क्रेडिट एनवायरमेंट क्रेडिट हिस्ट्री निकाल सकोगे ऐसा एक क्या होना चाहिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए. तो वो जो कह रहे हैं यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक के वो जो प्रिंसिपल्स है स्टैंडर्ड फॉर देखो ये जब क्रेडिट हिस्ट्री होगा क्रेडिट एनवायरमेंट होगा तो किसी भी बोरोअर को लोन देने से एडवांस देने से पहले यू कैन इजीली जज हिज बैकग्राउंड विच विल हेल्प यू इन टेकिंग अ डिसीजन. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना. तो वर्ल्ड बैंक कहता है ऐसे प्रिंसिपल्स लाओ कि आप पैसा ही ऐसे लोगों को दो जो डिफॉल्ट ही ना करें. अरे बोलो इसलिए वो वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स में दिया है उन्होंने चार जो पॉइंट्स है पहला क्रेडिट एनवायरमेंट है देन सेकंड इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम थर्ड इंप्लीमेंटेशन दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरआर्किंग कंसीडरेशंस ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स. अब आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज पहला पॉइंट पढ़ो क्रेडिट एनवायरमेंट जो मैंने कहा क्रेडिट हिस्ट्री उसको लेकर पढ़ो कैसे दिया उधर बिकॉज इट्स वेरी वास्ट आई कैन से वहां पे हम एक काम कर सकते हैं
पहले दो पॉइंट्स है ना उसमें, फर्स्ट दो पॉइंट्स उसको आप लिखो, फर्स्ट दो पॉइंट्स को कॉम्पैटिबल, कॉमन करके कॉम्पैटिबल क्रेडिट, कॉम्पैटिबल क्रेडिट, एंड एनफोर्समेंट सिस्टम्स, कॉम्पैटिबल क्रेडिट एंड एनफोर्समेंट सिस्टम्स। थर्ड में हम लिखते हैं एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। फोर्थ में आप लिखो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन मतलब बोरोर की हिस्ट्री, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैंने सिबिल रिपोर्ट कहा था आपको। एंड नंबर फाइव में जो दिया उधर अंडरलाइन करना इनफॉर्मल, उधर लिखना कॉरपोरेट वर्किंग आउट, इनफॉर्मल कॉरपोरेट वर्किंग आउट। इसमें इंडियन लोग बहुत एक्सपर्ट है, इनफॉर्मल कॉरपोरेट वर्किंग आउट पॉइंट नंबर फाइव में, इनफॉर्मल इंडियन लोग बहुत एक्सपर्ट है उसमें। क्यों दिया उसमें पढ़ो ना, इनफॉर्मल क्या है, ये निगोशिएशन है, ले दे के सेटल कर दे भाई। वो जो कॉर्पोरेट हाउस है वो बाद में उस इनफॉर्मल तरीके से उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके, फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास जाके इनफॉर्मल वे में निगोशिएशन करके सेटल करेगी, वो सेटल कर लेते बट उनका क्रेडिट एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता ना। वो क्या दिया, इनफॉर्मल कॉर्पोरेट वर्किंग आउट टू रिस्टोर एन एंटरप्राइज टू फाइनेंशियली वायबिलिटी। उसमें दिया रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, न्यूट्रल टैक्स ट्रीटमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, वो सब एग्जाम्पल है उसके। ये क्रेडिट एनवायरमेंट में आ रहा है। सेकंड क्या दिया, इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम, उसमें अंडरलाइन करना इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ। वर्ल्ड बैंक का कहना है हर देश में कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ होना चाहिए जो क्या करता है, उस देश की उस कंट्री की ब्रॉडर लीगल कंप्लायंस सिस्टम को इंटीग्रेट करता है इन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ फर्म्स असेट्स एंड रिकवरी बाय क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को और देश के सारे लॉस को एक कंबाइन करके इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ लाना। ओ ओ ओ वर्ल्ड बैंक ने कहा 2001 में और हमारे यहाँ 2016 में, तो हमारे यहाँ पे हम कहते आईबीसी कोड लाया था कि बहुत दिक्कत हो रही थी, हमने खुद होके नहीं लाया। जब वर्ल्ड बैंक ने ये प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हर देश को कहा, तब हमने सोचा चलो ठीक है हम भी कर लेते। तो ऐसा हमने कोई पायनियर कोई कंसेप्ट बेंचमार्क सेट नहीं किया है, तो वो वर्ल्ड बैंक के कहने पर इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ है। एंड देन नंबर थ्री क्या दिया उधर, इंप्लीमेंटेशन दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसमें क्या है भाई, इस इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए ना, रेगुलेटर जिसे यहाँ पे आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या दिया, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, द ऑपरेशनल सिस्टम टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में मैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कहूंगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी भी कहूंगा। सेकंड पॉइंट में टू रिकॉग्नाइज दैट इंटीग्रिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी इज कोर फॉर अ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये जब सब हमने सेटअप किए वो इस इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए। मैंने जो एग्जाम्पल दी ना उसके साथ लिंक करोगे ना बहुत आसान लगेगा, ध्यान रखना वो। इसलिए मैं डिस्कस करो क्रेडिट एनवायरमेंट, अच्छा इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ उस तरह से। एंड द लास्ट वन जो है कॉम्प्रिहेंसिव ओवर आर्किंग, व्हाट इज ओवर आर्किंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम कहते हैं ओवर आर्किंग का मतलब ही विच इंक्लूड्स ऑल कंसिडरेशंस ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, मतलब एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्लाइमेट की तरह उस देश के अंदर इंसॉल्वेंसी लॉ होना चाहिए, जिसमें इंसॉल्वेंसी लॉ कैसे हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, इज एसेंशियल। अगर ट्रांसपेरेंस अकाउंटेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी टैप है तो फिर उस केस में हम कहेंगे ओके वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। देखो उधर क्या दिया, टू डेवलप कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन एंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लैंडिंग सिस्टम एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फॉर प्रेडिक्टेबल रिस्क एलोकेशन रूल्स एंड कंसिस्टेंट लॉज।
प्लीज देखो जरा कॉम्प्रिहेंसिव ओवर आर्किंग कंसिडरेशन जो हमने डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव ओवर आर्किंग टू डेवलप कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन एंड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लेंडिंग सिस्टम। साउंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है तो स्ट्रॉन्ग लेंडिंग सिस्टम होगा। Strong lending system and corporate sector and for predictable risk allocation rules and consistent laws. ये एक अच्छे insolvency bankruptcy code और एक अच्छे insolvency law की निशानी है। Finally, cross border insolvency is over. You see,